अलवर विधानसभा चुनाव को देखते हुए अलवर ग्रामीण से सवाई सिंह सपेरा ने रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट में समता समिति की ओर से नामांकन भरा है। नामांकन के दौरान सवाई सिंह सपेरा के साथ ग्रामीण क्षेत्र से लोग मौजूद रहे। रैली के दौरान सपेरा के साथ आए समर्थकों ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बीन बजाकर खुशी का इजहार किया। उन्होंने बताया कि अलवर ग्रामीण विधानसभा से 3 बार विधायक के टिकट के लिए दावेदारी की, लेकिन जीत हासिल नहीं हो सकी। एक बार तो निर्दलीय और दूसरी बार जमींदार पार्टी से और तीसरी बार समता आंदोलन से चुनाव के लिए प्रत्याशी चुना है। उन्होंने कहा कि दोनों सरकार के विधायकों ने क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई विकास कार्य नहीं किया है, सिर्फ लोगों को झूठे वादे दिए हैं और चुनाव को जीता है। ग्रामीण क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, साफ सफाई आदि की सुविधा सही ढंग से नहीं चल सकी, इसलिए पार्टी की ओर से मुझे टिकट मिला है और जनता के बीच जाकर वोट मांगेंगे और जनता का काम करेंगे। एक मिनट सर, थोड़ा सा पीछे हो रहा है सर। आप अलवर ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं? जी, मैं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं सवाईनाथ सपेरा, तीसरी बार मैं अपना भाग्य आजमा रहा हूँ अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी क्षेत्र में? हमने 6 बिंदुओं पे, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय समानता पार्टी जो 6 बिंदुओं पर लड़ रही है, उसके लिए मैंने स्टाम्प लिख के दे दिया। मैं 6 बिंदुओं पर खड़ा उतरूंगा और जनता की सेवा करूंगा। हम ये चाहते हैं कि तिरंगे रहे, जो जिस आदमी को आरक्षण मिल चुका है, जो मिल चुका है तो वो मारा है। दूसरे गरीब आदमी का भी नंबर आए, गरीब आदमी को भी नंबर। पहले निर्दलीय लड़ा था। कितनी बार लड़ा? एक बार। उसके बाद भारतीय अशक्ति पार्टी से लड़ा था। गरीबों का कुछ नहीं हुआ है, ना तो कांग्रेस ने किया ना बीजेपी ने किया। गरीबों को तो सिर्फ कुचलने से अलावा कोई काम नहीं किया जाता, सिर्फ गरीब को कुचला ही जाता है। गरीब का कोई विकास नहीं होता है। आज गरीब को देखो जाके, गरीबी किस जात में नहीं है, आज गरीबी तो हर समाज में है। जाट को देख लो, गुजर को देख लो, मीणे को देख लो, मुसलमान को देख लो, सभी समाज, सर्व समाज में ब्राह्मण को देख लो, बनिया को देख लो। आरक्षण भी आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए।